क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक फ़िरका ऐसा भी है जो हिंदू बाबाओं के पास आते जाते हैं। ये लोग दाऊदी बोहरा सिया हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। दाऊदी बोहरा मुसलमान ज़्यादातर हिंदुस्तान के गुजरात में रहते हैं। दुनिया भर में इनकी 10 लाख से ज़्यादा आबादी है और 40 से ज़्यादा मुल्क में इनकी मौजूदगी है। बोहरा मुसलमान बेहद अमीर होते हैं। ये लोग ज़्यादातर तिजारत किया करते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं। दुनिया के 7 देशों में और 25 से ज़्यादा शहरों में इनकी कई सारी मदरसे कायम हैं। बोहरा शब्द गुजराती शब्द बोहरू या व्यवहार से आया है, जिसका मतलब होता है व्यापार करना। बोहरा मुसलमानों की ज़बान को लिसान उद्दावत कहते हैं। यह ज़बान पुरानी गुजराती ज़बान पर बनी है, मगर इसमें ज़्यादातर अरबी, उर्दू और फारसी लफ्ज शामिल हैं और इसे अरबी उर्दू की तरह ही लिखा जाता है। मर्द हजरात आम तौर पर पूरी दाढ़ी रखते हैं और ये जो पोशाक पहनते हैं उसे लिबास अल अनवर कहा जाता है। ये लोग शिया मुसलमानों की तरह ही मुहर्रमुल हराम में मातम भी करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दाऊदी बोहरा मुसलमानों से मिलने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने अल जामेतुल शैफिया अरबी अकेडमी के 4th परिसर का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कहा, मैं यहां परिवार के सदस्य की तरह हूं, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं। अल जामेतुल शैफिया अरबी अकेडमी दाऊदी बोहरा मुसलमानों का बहुत बड़ा मदरसा है और ये लोग अक्सर तरीन हिंदू बाबाओं के पास आते जाते हैं और उनके सभाओं में भी बैठते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।